उत्तराखंड में लगभग 7 माह के बाद आज सोमवार को 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत पर 14 मार्च से राज्य के सभी शैक्षिक संस्थान बंद किए गए थे। प्रदेश में आज सरकारी स्कूल खुले हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अभी भी सरकार से तैयारियों के लिए समय मांगा है। 7 माह के लंबे इंतजार के बाद आज जब स्कूल खुले तो बच्चों के साथ ही शिक्षकों में भी उत्साह दिखाई दिया। रामनगर के श्री गोमती पूरन प्रसाद आर्या कन्या इंटर कॉलेज में भी आज 25% बच्चों को स्कूल बुलाया गया है। स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर एंड बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल नीलम नंद्र जोग ने बताया कि सरकार द्वारा जारी SOP के नियमों का पालन करते हुए आज से 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। आज से 50% बच्चों को बुलाया गया है। बच्चे अभिभावकों की अनुमति पत्र साथ लेकर आए हैं। हमने स्टाफ का COVID-19 टेस्ट कराया है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें ही स्कूल बुलाया गया है। स्कूल गेट के बाहर ही थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। क्लासरूम वॉशरूम को पहले ही सैनिटाइज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्कूल आने वाले बच्चे व शिक्षक खुश हैं। बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनका शिक्षकों के सामने ही समाधान हो सकेगा, और जो बच्चे किसी भी कारणवश स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोरोना काल के कारण स्कूलों के पैटर्न में भी बदलाव आया है। स्कूलों के लिए कई मानक लागू किए गए हैं। SOP में तय किया गया है कि अधिक आयु वाले कर्मचारी, गर्भवती महिला एवं संवेदनशील स्वास्थ्य वाले कर्मी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्हें छात्रों से सीधा संपर्क में आने वाला कोई फ्रंटलाइन कार्य नहीं दिया जाएगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत मिलने संबंधित कर्मी और छात्रों को स्कूल गेट से लौटा दिया जाएगा। सर, आज स्कूल खुले हैं, क्या नियमितताएं पाई गई हैं स्कूलों में और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से? उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज से 2 नवंबर से जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को लेकर के विद्यालय खोलने के निर्देश प्राप्त हुए थे, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जो है इसके लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तो मेरे द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद श्री अजय चौधरी के साथ आज विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे स्तर पर इस समय पूरे जनपद भर में जो अधिकारी हैं वो सब निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और अन्य शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग विशेष रूप से पहला दिन है ये देख रहे हैं कि विद्यालयों में छात्र संख्या किस तरीके से है, कैसा रुझान है, और जो निर्देश प्राप्त हुए थे विद्यालय खोलने को लेकर के, जैसे कि सहमति पत्र जो है अभिभावकों का होना चाहिए और विद्यालय स्तर पर तैयारियाँ जो है पूरी तरह से होनी चाहिए, उन सबको देखा जा रहा है। और विशेष रूप से बच्चों के साथ हमारे द्वारा इंटरेक्शन किया जा रहा है, और उसमें उनको कोविड जो 19 है इसके दृष्टिगत क्या क्या सावधानियां रखनी है उस सब के बारे में निर्देशित किया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है, ताकि वे खुद इसको जान सकें और एक अच्छा हमारा जागरूकता का माध्यम भी बन सके और अपने पास पड़ोस में, अपने परिवार में अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सके। कुणाल जी, जैसे कि आज से स्कूल खुले हैं तो क्या क्या सुविधाएं कर रहे हैं आप कोरोना को लेकर? कोरोना के मद्देनज़र हमने जो SOP है उसके पूरी गाइडेंस की जो है सबकी जो है हमने फॉलो किया उसको। उसके तहत हमने बच्चे को सुबह ही गेट पे जो है सैनिटाइज करवाया उनके हाथ और सब, और बच्चों के जो है उनका थर्मल स्कैनिंग करवा करके और सबको चेक करवा करके कि किसी को बुखार तो नहीं है, खांसी वगैरह सब पूछ करके, गार्जियन की जो सहमति पत्र है जो हमने हम बच्चों को एक दिया था परफॉर्मा, उस परफॉर्मा को भर करके जो है बच्चे लाए हैं। केवल उन्हीं को हमने प्रवेश दिया है जिनका कि प्रवेश मतलब सहमति पत्र गार्जियन का भरा हुआ है, सहमति दे रखी है। इसके अलावा कमरों में हमने पूरी जो है साफ सफाई सैनिटाइज करवा करके, कई दिन से हमने सफाई करवा करके उसको बच्चों को पूरी डिस्टेंस के साथ में प्रॉपर डिस्टेंस में जो है उनको बिठाया है, 2 गज की जो है दूरी का पूरा पालन किया है, उसके तहत टीचर्स अपना जो है क्लासेस ले रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में टोटल? हमारे यहाँ हाई स्कूल में इस कुल टोटल पंजीकृत 62 हैं, जिसमें 14% है, मात्र 14 ही हैं, और इंटर में 117 बच्चे टोटल हमारे पंजीकृत हैं, जिसमें से कि 21 बच्चे प्रेजेंट हैं।
कुल 35 बच्चे हमारे आज की डेट में प्रेजेंट हुए हैं, जिनके